हे गाइस, वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ आवर मेघालय सीरीज। अगर आपने अभी तक पिछले दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चेरापूंजी में हमने दो दिन की आइटिनरी में एक दिन रखा था सारे वाटरफॉल्स और केव्स के लिए और एक पूरा दिन प्लान किया था डबल डेकर रूट ब्रिज की ट्रैकिंग के लिए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। चेरापूंजी की सुंदर पहाड़ियों से निकलकर हम जा रहे हैं तिरना विलेज। तिरना विलेज चेरापूंजी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे है और हमें यहाँ पहुँचने में लगभग एक घंटा लगा। तिरना विलेज से ही डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज की ये ट्रैकिंग शुरू होती है। यहाँ पहुँचकर आपको टिकट काउंटर से टिकट लेनी है और कार पार्किंग के लिए यहाँ प्रॉपर पार्किंग बनी हुई है। ट्रैक शुरू करने से पहले आपको एक बैम्बू स्टिक ज़रूर लेनी है जो आपको ट्रैकिंग में काफ़ी हेल्प करेगी। आप चाहे तो 300 से 400 रुपए में एक लोकल गाइड भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। हमने ये ट्रैक बिना गाइड के ही किया था। तो चलिए अब चलते हैं लिविंग रूट ब्रिज की ट्रैकिंग पे। तिरना गांव से कुछ ही दूर घने जंगलों में बसा हुआ है एक छोटा सा गाँव नॉनग्रियर, जहाँ है दुनिया का फेमस लिविंग रूट ब्रिज। तो गाइस, इस ट्रैक को करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को जान लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये ट्रैक कोई बहुत आसान ट्रैक नहीं है। इस ट्रैक में एक तरफ से पूरी 3,500 सीढ़ियाँ हैं जिन्हें उतर के आपको नीचे जाना है और वापस उन्हीं 3,500 सीढ़ियों को चढ़ के ऊपर वापस आना है। तो अगर आप फिजिकली फिट हैं तो ही यहाँ आए, क्योंकि कई बार पैर में दर्द बढ़ जाने के कारण कई लोग बीच में से ही ट्रैक छोड़ देते हैं। एक बार ट्रैकिंग शुरू होने के बाद नीचे जाने में लगभग आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे और ऊपर आना आपकी फिजिकल फिटनेस पे डिपेंड करता है। हमने ये ट्रैक 9 बजे शुरू किया था और नीचे जाने में हमें लगभग 3 घंटे लगे। पूरा रास्ता छोटे छोटे सुंदर घरों, पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से भरा हुआ है। नीचे उतरते वक्त हमने ये ट्रैक लगभग 3 घंटे में पूरा किया था और वापस आते वक्त हमें बस 2 ही घंटे लगे थे। लगभग 20 मिनट तक हल्की ढलान वाली सीढ़ियों को उतरने के बाद पक्की सीढ़ियों का मेन रास्ता शुरू होता है। पूरे रास्ते में आपको ऐसी रेलिंग मिलेगी जिसके सहारे धीरे धीरे आपको उतरते जाना है। अगर मोटिवेशन की कमी हो तो ये क्लिप ज़रूर देख लें, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और यहाँ तक कि बूढ़े लोग भी ट्रैकिंग करते नज़र आ रहे हैं। वैसे तो हम भी कोई बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट नहीं हैं, पर वो कहते हैं ना कि मन में हो विश्वास, पूरा हो विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और इसी जज्बे के साथ हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी। नीचे जाते वक्त हमने बहुत ज़्यादा सामान नहीं लिया था, क्योंकि पूरे रास्ते में खाने पीने की सारी चीज़ें आपको आराम से थोड़ी थोड़ी दूर पर मिलती रहेंगी। लगभग 1.5 घंटे चलने के बाद आपको राइट साइड में एक रास्ता दिखेगा जो सिंगल डेकर लिविंग रूट ब्रिज की तरफ जाता है। अभी हम बस सिंगल डेकर ब्रिज पहुँचे हैं जो उस तरफ है। सिंगल डेकर चलते हैं आपको लेके। सिंगल डेकर जाने और आने में आपको आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन ब्रिज बहुत ही सुंदर है तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। डबल डेकर जाते वक्त रास्ते में आपको कई सस्पेंशन ब्रिजेस के ऊपर से होकर भी जाना पड़ेगा, जो कि एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आप यहाँ होमस्टेज में भी रुक सकते हैं। मुझे जो भी होमस्टेज दिखेंगे मैं उनका नाम और नंबर आपको दिखाती जाऊंगी। Thank you.
तो ऑलमोस्ट 3 घंटे की अच्छी खासी ट्रैकिंग करने के बाद हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे, जिसके बारे में हम पिछले 2-3 साल से बस सुन ही रहे थे, डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। मेघालय खासी और जयंतिया ट्राइबल्स का घर है। मेघालय के अधिकतर गांव अपने लिविंग रूट ब्रिजेस के लिए फेमस है। यहां लगातार तेज बारिश की वजह से पक्के पुल बनना लगभग नामुमकिन है और बांस के बने छोटे छोटे पुल भी बारिश में खराब हो जाते हैं। मानसून में झरनों का पानी भी कई गुना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नदियों को पार करना और भी मुश्किल होता है और पूरे के पूरे समुदाय बाहर की दुनिया से कट जाते हैं। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कई साल पहले खासीज ने एक अनोखा सलूशन निकाला, रबर की जड़ों से बने पुल, यानी कि लिविंग रूट ब्रिजेस। इन ब्रिजेस को रबर के पेड़ की जड़ों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। नदी के दोनों तरफ पहले रबर के पेड़ लगाए जाते हैं और उसके कई साल बाद जब जड़ें बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें बांस के सहारे नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचाया जाता है। एक बार दोनों पेड़ों की जड़ें आपस में मिल जाती हैं तो वो अपने आप ही उलझकर पुल को और मजबूत करती रहती हैं। इन पुलों को पूरी तरह फंक्शनल होने में 20 से 25 साल लग जाते हैं। एक बार में एक साथ इस पुल पर 50 लोग खड़े हो सकते हैं और लगभग 500 सालों तक ये पुल ऐसे ही बने रहते हैं। इस ब्रिज के ठीक नीचे एक छोटा सा वाटरफॉल भी है, जिससे क्रिस्टल क्लियर पानी के 2 नेचुरल पूल्स बनते हैं। अगर आपको स्विमिंग करनी है तो आप आराम से यहाँ स्विमिंग भी कर सकते हैं, और अगर हमारी तरह आप स्विमर्स नहीं हैं तो नेचुरल फिश पेडिक्योर का एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। हमने अपना ट्रैक 9 बजे स्टार्ट किया था तो ब्रिज पे काफ़ी भीड़ हो गई थी। आप चाहें तो थोड़ा और पहले स्टार्ट कर सकते हैं। डबल डेकर पे लगभग 1 घंटा बिताने के बाद अब हमें वापस जाने की थोड़ी टेंशन भी थी, तो हमने वाइंड अप किया और फिर से चल पड़े वापसी की ओर। द डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज इज़ अ ट्रू मार्वल ऑफ नेचर एंड इट वॉज अ प्रिविलेज टू सी इट अप क्लोज। आई हाईली रिकमेंड एडिंग दिस डेस्टिनेशन टू योर ट्रैवल बकेट लिस्ट। ब्रिज के एकदम पास ही एक होम स्टे है। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक तरफ की ट्रैकिंग के बाद यहाँ स्टे करके अगले दिन वापस जा सकते हैं। यहाँ के रिव्यूज़ भी हमें काफ़ी अच्छे लगे। होम स्टे का नाम और नंबर भी मैंने सामने मेंशन किया है। इस ट्रैक को मॉनसून में अवॉइड करना बेटर होता है, क्योंकि रास्ते में सीढ़ियाँ काफ़ी स्लिपरी हो जाती हैं। हम यहाँ अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग में आए थे तो हमें तो पूरे ट्रैक में बहुत ज़्यादा धूप मिली, लेकिन मेघालय की बारिश का कुछ नहीं कह सकते। तो आप चाहें तो अपने साथ एक रेनकोट और मोबाइल चार्जर्स भी लेके आ सकते हैं। So, better to do it than not to do it. Overall, our visit to the Double Decker Bridge was an unforgettable experience. We had to hike through a beautiful forest and cross over several small streams. The hike was challenging, but the views were amazing. I hope that my vlog has inspired you to visit this beautiful place and witness the wonders of nature for yourself. It took us almost 2 hours 15 minutes. And that's the gate? And that's the gate. You can see the gate here.
आज का दिन खत्म हुआ एक शानदार ट्रैकिंग एडवेंचर के बाद। शाम के लगभग 3 बज चुके हैं और हमें जाना है डॉकी। यहाँ से डॉकी पहुँचने में हमें ऑलमोस्ट 4 घंटे लगे और डॉकी जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। अगर आप भी डॉकी जा रहे हैं तो रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ेगा, KBR रेस्टोरेंट। यहाँ रुक के आप एक अच्छा सा नॉर्थ इंडियन डिनर कर सकते हैं। यहाँ वॉशरूम्स भी काफ़ी साफ हैं। हमने डॉकी आने से पहले ही एक प्रॉपर्टी बुक की थी जिसका नाम था लामींस गेस्ट हाउस। डॉकी के बोटिंग पॉइंट से ये गेस्ट हाउस वॉकिंग डिस्टेंस पे है। नेट पे इसके बहुत ज़्यादा पिक्चर्स अवेलेबल नहीं थे तो हमें लग रहा था कि पता नहीं कैसे रूम्स होंगे, पर जब हम वहाँ पहुँचे तो वी वर सो हैप्पी। गेस्ट हाउस के ओनर का नाम चान है। उनका नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डायरेक्ट उनसे बात करके रूम्स की बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ रूम्स के चार्जेस 3 से 4 हज़ार हैं। तो गाइज, अब आज की शाम को यहीं रोकते हैं और कल आपको लेके चलेंगे फेमस डॉकी रिवर की बोटिंग के लिए। इफ़ यू लाइक अवर वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।